अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। कल हमने कतर से रिलेटेड वीडियो डाली जिसमें हमारे पास बाइक राइडर्स की रिक्वायरमेंट्स थी, गल्फ़ का बाइक राइडर का लाइसेंस या कतर का बाइक राइडर का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए जो भी कैंडिडेट उस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहता है। आज की जो वीडियो है उसमें, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे पास काफ़ी सारे क्यूरीज आई, तो आज के जो व्लॉग है उसमें आप अगर कतर में बाइक राइडर के लाइसेंस पे जाना चाहते हैं, बाइक राइडर का काम करना चाहते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी। तो आप डिटेल से सारी चीज़ें देखें कमेंट करने से पहले और व्हाट्सअप करने से पहले, वीडियो पूरी डिटेल से देख लेना। उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई अप्लाई करने से रिलेटेड वो आप मुझे बता सकते हैं, या अगर आपको कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन होगा वो आप पूछ सकते हैं। सो वीज़ा के टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप ये माइंड में रखें कि आपको ये वीज़ा टिकट प्रोटेक्टर वीज़ा और वहाँ पे रिहाइश, वहाँ पे फूड और वहाँ पे बाइक राइडर के लाइसेंस को अप्लाई कराने में और आपको दिलवाने में, इन सब चीज़ों के साथ इसका रेट है 6 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। ये पहली बात आपने माइंड में रखनी है, इसमें कोई निगोशिएशन नहीं, ये बड़ा चीज़ों को ऐड कर करके ये रेट फिक्स हुआ है और ये रेट डेवलप हुआ है। जब आपके पास बाइक राइडर का लाइसेंस आ जाएगा तो आपकी 2000 कटरी रियाल सैलरी लगेगी, आपकी 450 डिलीवरीज टारगेट्स होगा मंथली। आप 15 दिनों में करो, 20 दिनों में करो, 24 दिनों में करो, जितने भी दिनों में करो। और अगर आप टारगेट नहीं कर पाते तो भी आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी जो 2000 की आपको बेसिक बात की गई है, उसमें से मतलब थोड़ी डिडक्शन हो सकती है। बट क्योंकि आपका सेल से रिलेटेड जो काम होता है या बाइक राइडर से रिलेटेड होता है वो टोटली टारगेट ओरिएंटेड होता है कि आप जितना बिजनेस या जितना पैसा जनरेट कर रहे होते हैं उसमें से आपको या स्टाफ को या एम्प्लॉयज़ को सैलरीज मिलनी होती हैं। तो 450 आपने अगर आप उसको डिवाइड करो तो ये डेली तकरीबन आलमोस्ट 17-18 डिलीवरीज आपने करनी होंगी, तब आपको ये सैलरी मिलेगी। 12 आवर्स का आपने आइडियली माइंड में रखना है कि 12 आवर्स का काम है और मंथली 4 डेज ऑफ है, मतलब वीकली एक दिन आपका ऑफ रहेगा। और सिम, पेट्रोल, बाइक, फूड, ये सब चीज़ें, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट ये आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। और 2 साल के बाद आपको कंपनी रिटर्न टिकट भी प्रोवाइड करती है, मतलब जब आप 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर करते हो तो आपका कटर से पाकिस्तान और पाकिस्तान से कटर की टिकट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी। और ईयरली 30 डेज की पेड लीव भी आपको मिलेगी, लेकिन हर साल के बाद आपको कंपनी आने जाने का टिकट नहीं देगी, वो 2 साल के बाद आपको कंपनी आने जाने का टिकट देगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप 450 की डिलीवरीज का टारगेट कंप्लीट कर लेते हो, मैं बता रहा हूँ पूरे गल्फ में जहाँ पे भी बाइक राइडर का काम होता है वो टारगेट ओरिएंटेड होता है, वो डिलीवरीज ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पे इस कंपनी को 450 डिलीवरीज आपसे चाहिए पर मंथ, ये अगर आप कर पाते हैं तो इसका तो 2000 आपको मिलना है। इसके बाद मतलब 451 वाली जो आपकी डिलीवरी होगी वो एक डिलीवरी आपको 6 कतरी रियाल जनरेट करके देगी, मतलब आपने उसके अलावा डेली 2 डिलीवरीज की 12 कतरी रियाल आपको जनरेट हुआ, 3 एक्स्ट्रा डिलीवरीज की 18 कतरी रियाल डेली के हिसाब से। अगर आपका टारगेट है डेली का 17, तो अगर आप 3 एक्स्ट्रा करते हो मतलब 20 करते हो तो आप डेली का एक्स्ट्रा जिसको ओवर टाइम कहो या जो भी कहो वो आप 18 कतरी रियाल जनरेट कर रहे हैं। ये है प्रोसीजर। पेमेंट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो हम देख लेंगे, बट पेमेंट आपने श्योरिटी देनी है, क्योंकि जैसे हमारे कुछ वीज़ा जब लास्ट टाइम आए उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, सप्लायर को भी पैसा चाहिए, हमें भी चाहिए और आपको काम चाहिए, 3 पार्टीज़ का काम रहता है, एक वो जिसको वीज़ा चाहिए, एक वो जो वीज़ा दे रहा है, एक वो जो हम लोग हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आपका भी लॉस ना हो, हमारा भी लॉस ना हो, और जो हमें वीज़ास दे रहा है या जो कंपनी वीज़ास निकाल के दे रही है, ऑफकोर्स इन सारी चीज़ों पे पैसे लगते हैं, आपके वीज़ा पे पैसे लगते हैं, टिकट पे पैसे लगते हैं, प्रोटेक्टर पे पैसे लगते हैं, आपके फूड एकोमोडेशन पे पैसे लगते हैं और आपके लाइसेंस पे भी पैसे लगते हैं। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए मैंने भी प्रॉफिट मार्जिन कमाना है और जो आगे से हमें दे रहा है कटर से वो भी प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है। और इसमें एक चीज़ और याद रखें कि आपको जो क्वारंटीन होगा वो भी आपको इसी पैसों में से मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। सो बॉटम लाइन इज कि पेमेंट, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो पेमेंट पे हम बात कर सकते हैं और हमारी उनके साथ बात भी चल रही है, बट थोड़ी बहुत पेमेंट और जो सिक्योरिटी है वो हमने पहले करनी है, क्योंकि अगर वो वीज़ा प्रोसेस होता है आप नहीं ले पाते तो बाद में वो हमारे खाते में काउंट हो जाता है।
हम बेशक उनको कैश रिटर्न नहीं करते, लेकिन जो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट्स या जो नेक्स्ट मार्जिन होता है वो मर जाता है। मतलब हम 30-40 डेज के बाद लिटरली जीरो पे खड़े होते हैं। क्यों? एक क्लाइंट से कमाया तो दूसरे क्लाइंट से लॉस हुआ, तो दूसरे क्लाइंट से लॉस मतलब कि उस क्लाइंट ने वीज़ा नहीं लिया। जैसे लेट सपोज हमारा पिछले एक ओमानी क्लाइंट ने वीज़ा नहीं लिया, आ चुका है, वीज़ा जन्मन है, वो फ्लाई नहीं करना चाह रहा, उसके चाचू का कुछ कंसर्न्स है कि यार हमारा बच्चा वहाँ जाके अच्छा नहीं रहेगा। तो अब उस वीज़ा पे कॉस्ट आई है 2,10,000। तो 2,10,000 टोटल हमने कमाए नहीं जितना हमने लॉस किया उसमें, और उस पर 30-40 डेज के सेपरेट हमारे बर्बाद हुए। टाइम, एनर्जी, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो अगर आप भाई देख रहे हो जिसका वीज़ा आया हुआ है और वो नहीं जाना चाह रहा, तो आप सोचो आपका 33 मंथ्स का वैलिडिटी है कि आप कंपनी के साथ भी डायरेक्ट जा सकते हो, कंपनी के साथ भी बंदा डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मतलब ये ऑप्शंस होता है, अगर बीच में जो आपको किसी कंसल्टेंट या जो पार्टी है उसके साथ अगर आपकी बात नहीं बन पा रही, बॉटम लाइन इसके मतलब हमने ये देखना है कि हम सिक्योर रहें, आप सिक्योर रहो, आपकी पेमेंट सिक्योर रहे और सप्लायर सिक्योर रहे। हम एक क्लाइंट की वजह से सप्लायर को ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ हमने 20-30-40-50 बंदों का काम करना है। तो जो आप पेमेंट दे रहे होते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और तभी हम पाकिस्तानीज को डील करते हैं। मेनली मेजॉरिटी केसेस में हम पाकिस्तानीज को डील करते हैं। यूई का अगर कोई क्लाइंट है, इंडियन भी है और यूई में है, उसको हम डील करते हैं। यूई के अलावा किसी भी और कंट्री में हम इंडियन डील नहीं करते। वाई? कि हमारा उसके साथ बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे लड़के को कैंडिडेट को हम मिल सकते हैं, वो कोई श्योरिटी दे सकते हैं, हम उनको कोई श्योरिटी दे सकते हैं। इंडिया में कौन जाए? हमारे पाकिस्तानीज के वीज़ा ऑलरेडी इतना मुश्किल होता है, तो उस चीज़ को हम नहीं डील करते। और अगर आप इंडियंस हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट और विद अपोलॉजीज, आप कांटेक्ट ना किया करें, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। क्यों? रिसेंटली मैं पाकिस्तान में और मैं जस्ट पाकिस्तानीज को इंटरटेन करता हूं। इंटरटेन का मतलब ये नहीं कि मैं तफरी देता हूं, मतलब इंटरटेन मतलब कि मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूं और उन्हीं से ही मैं बिजनेस जनरेट करता हूं। थोड़े से व्यूज होते हैं मुझे पता है, थोड़े से क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन एक क्वालिटी बात होती है और हम उसको फोकस भी कर पाते हैं। 500 बंदों को डील करना है महीने में और फोकस 5 को भी ना कर पाएं, जो कि पास्ट का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो फ़ायदा नहीं है। हम भी स्ट्रेस में, आप भी स्ट्रेस में, और जिससे काम ले रहे हों वो भी स्ट्रेस में। सो ये कुछ डिटेल्स थी। और अगर आपने अप्लाई करना है तो आप जस्ट पासपोर्ट और अपना केस पुट इन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसके अलावा बात करनी तो वो हमारे पेड अपॉइंटमेंट है जो कि 500 है फ़ोन कॉल की। अगर आप ऑफिस आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम, बट वो 2,000 का है। और अगर आपने कोई हमसे वीज़ा वेरीफाई कराना है तो वो भी हमारी पेड सर्विस है और वो भी 2,000 की है। एनी काइंड ऑफ वीज़ा विजिट, ऑफर लेटर हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो कंपनी जनरेटेड होता है। वो मैंने इसी कंपनी की बेस पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट जनरेट कर दिया तो उसको कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकता, अनटिल और अनलेस कि कोई आपको ये बताया कि हाँ ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, वीज़ा की वेरिफिकेशन हो सकती है। ओके? तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटा दबा दें और वीडियो ज़रूर लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए डेली वीडियो जनरेट करने के लिए। इस अहद के साथ कि आपने ज़रूर वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना है या वीडियो क्लोज करनी है। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।